Hello friends, today we are talking about what is magnet, how magnet works and what is compass, what is magnetic compass. तो आज सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ magnetic compass की. जो आप देख रहे हैं ये है एक magnetic compass. इसका उपयोग हम generally दिशा सूचक के रूप में करते हैं या फिर directions के लिए करते हैं. जो हमारी चार basic directions होती है, east, west, north and south. तो हम अगर magnetic compass जहाँ पर अभी रखा हुआ है, इस जगह पर कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सी ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है, कौन सी साउथ है, ये देखने के लिए अगर हम इसका उपयोग करें, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस मैग्नेटिक कंपास में नीचे जीरो से लेकर पूरा 360 डिग्री जो सर्कल होता है उस वो दिखाया हुआ है पूरा का पूरा 340 50 एंड जीरो को 360 कंसिडर करेंगे. तो ये पूरा इस पर मेंशन किया हुआ है और सारे के सारे डायरेक्शंस लिखे हुए हैं. यहाँ पर हमें करना क्या है, ये जो इसमें बीच में निडल दिख रही है आपको, जिसमें एक ये वाला कोना है और एक ये वाला कोना है, ये एक बेसिकली एक मैग्नेट है. इस मैग्नेट में हर एक मैग्नेट में दो ध्रुव होते हैं या कहें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल. इसमें जनरली जो डायरेक्शंस होते हैं, दिक्सूचक होते हैं, दिशा दिखाने वाले, उसमें नॉर्थ वाले को रेड कलर से बनाकर रखते हैं. या यहाँ नीचे देख रहे होंगे आप जो एरोहेड बना हुआ है रेड कलर का बना हुआ है, या फिर सारे डायरेक्शंस में से नॉर्थ को रेड कलर से बनाए हैं. तो हमें इस कंपास को यूज बड़ा ही सिंपल है, बहुत आसान है. कैसे करना है इसको, ये जो ऊपर का कंपास है ये अपने आप को जब भी हम फ्रीली इसको मूव करवाएंगे तो ये अपने आप को नॉर्थ डायरेक्शन में सेट कर लेता है. जो हमारी अर्थ की मैग्नेट होती है उसके अकॉर्डिंग इसको नॉर्थ और साउथ में अपने आप को सेटल डाउन कर लेता है. तो अगर मैं इसको बहुत ही धीरे धीरे जो नीचे लिखा हुआ नॉर्थ है उसको और इस जो निडल का नॉर्थ है उसको अगर मैं अलाइन कर लूंगा एक दूसरे के ऊपर, तो ये एग्जैक्ट मुझे वो डायरेक्शन दिखा देगा जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ या फिर ये कंपास जहाँ पर है. तो आप देख रहे होंगे ये लगभग जीरो पर सेट हो गया है. तो ये जो डायरेक्शन होगी ये ईस्ट होगी, ये वाला डायरेक्शन वेस्ट होगा, ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ और ये वाला साउथ होगा. तो इस तरीके से ये मैग्नेटिक कंपास अपने आप को सेटल डाउन कर लेता है नॉर्थ और साउथ में. अब ये वाला नॉर्थ पोल हो गया और ये वाला साउथ पोल हो गया, तो ये तो मुझे मैग्नेटिक कंपास में रेड कलर से बना हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया कि ये नॉर्थ पोल है या उत्तरी ध्रुव है और ये साउथ पोल है या दक्षिणी ध्रुव है. लेकिन अगर किसी कंपास में नहीं दिखाओ कि कौन सा नॉर्थ है, या फिर किसी मैग्नेट ने मुझे नहीं बताओ कि कौन सा नॉर्थ पोल होता है और कौन सा साउथ पोल होता है, तो जरा हम दो मैग्नेटिक बार देखते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं कि ये कैसे मुझे पता चलेगा.